नहीं, सही कहा आपने कि हमारी मूवी भी एक दलित और दलित लड़के और एक राजपूत लड़की के बीच की कहानी प्रेम कहानी है। बिल्कुल अरे कब उधर है ना, क्या हुआ? आगे चक्कर में क्यों कर रहे हैं? अरे उधर एक व्यक्ति को खड़ा कर दो ना। कौन है? हाँ, मतलब हमारी मूवी चौहर एक दलित व्यक्ति और एक राजपूत लड़की के बीच की कहानी है, और उसके भी खिलाफ कई, मतलब बिहार में सोशल मीडिया में बहुत कुछ बोला गया था, बहुत कुछ हुआ था। और जैसा कि आपने अभी पद्मावती के बारे में बताया कि पद्मावती के खिलाफ भी बहुत सारे लोग, मतलब आर्थिक एंड कई तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। बट जैसे एक बार एक व्यक्ति मेरे को मिला था, और वो भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ, मतलब चौहर के बारे में बहुत कुछ खिलाफ बोल रहा था, और ये ऐसा क्यों बनाया, आप लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने वो थोड़ा बहुत दिन उन्होंने बोला, उसके बाद पता चला कि वो गायब हो गए। एंड फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम मेरे को मिला, तो मैंने कि यार तुम लोग इतना विरोध कर रहे थे, अभी क्या हुआ? मतलब अभी तुम लोग कन्वेंस हो मूवी को देखे? बोला कि नहीं नहीं कन्वेंस नहीं है, लेकिन हम आपका विरोध करके क्या फ़ायदा होने वाला हमें। मैंने किया ये क्या क्या बोल रहे आप? बोला हाँ, बिकॉज क्या है ना कि आप लोग इतने बड़े मेकर्स हैं नहीं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है नहीं, कि हम कुछ बोलें तो हमें क्या फ़ायदा। जैसे कि कहीं ना कहीं मेरे को ये इसमें सुनने भी आ रहा है कि जैसे पद्मावती के लोग विरोध कर रहे हैं, पद्मावती विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी स्टार कास्ट है, संजय लीला बंसाली जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और उनका विरोध करने पर उनका कई लोगों का कई उनका एक अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उनका भी एक ऑटोमेटिक नाम आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, वो अपने आप को एक फेमस करने का तरीका एक लगा बना लिया है लोगों ने कि इस तरीके से विरोध करो, अपने आप को फेमस कर लो। बेसिकली अगर हम अगर सच्चाई जा रहे हैं, एक सामाजिक वाली बात करते हैं, एक भारतीय होने के नाते अगर एक बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करती हैं। क्या जैसे कि मैं भी एक पद्मावती, अपने इतिहास की इज्जत करता हूँ, अपने इतिहास के खिलाफ कोई भी कुछ करता है तो मैं उसके अगेंस्ट में भी बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके, हमें पता ही नहीं है कौन क्या बना रहा है, और हम बिना देखे ही किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ही बोलते जा रहे हैं। ठीक है, हम अगर हमारे उस चीज़ के पीछे कुछ स्वार्थ हो कि भैया पे हम कुछ करने जा रहे हैं कि भाई हमारे इसके माध्यम से हमारा स्वार्थ से दो रहा है और इस तरीके से हम करें तो उससे फ़ायदा हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके मैं अगेंस्ट में बिल्कुल, अगर आप करो तो बिल्कुल सही तरीके से समाज को एक अपना साथ में लेके करो, हर व्यक्ति को कन्विंस करके चलो कि भाई ये हम करने जा रहे हैं और ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पूरी बात, तब आप उसका विरोध करो तो एक अच्छी बात है। ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो फिल्म बनाई थी तो आप कहाँ से प्रेरित होते, ये जो विषय है क्यों आपको इतना प्रभावित किया कि आपने इस पर फिल्म बना डाले? अब बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही नीचे लेवल से था, जो एक ऐसी समाज से बिलोंग करता था जहाँ कोई एजुकेशन का वो नहीं, कुछ नहीं, और वो व्यक्ति ने अपने संघर्ष किया, एक सच्चा प्यार किया, और प्यार के माध्यम से एक उस एक कम्युनिटी को प्रेजेंट करने लगा, एक बहुत बड़े लेवल पर आगे चल के छोर मल एक राजा भी बने, आज बिहार में उनके मंदिर वगैरह भी है, लोग उनको पूजते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक कहानी बननी चाहिए, लोग उससे मोटिवेट होते हैं, लोगों को उनसे सीखने के लिए सीखने को मिलता है, और ऐसे लोगों के बनाएंगे तो समाज में कहीं ना कहीं जो दबे कुचले लोग हैं वो भी इससे प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने जैसे बताया कि आपको जो सोशल मीडिया पे इतना सारा प्रोटेस्ट में किया गया, ट्रोल किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कौन से समाज के लोग थे, कौन से समुदाय के लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था उस वक्त? ये राजपूत समाज के ही लोग थे अपने को, अब मुझे नहीं पता कि वो किस समाज के, लेकिन बोलने के लिए बोलते थे कि भाई हम राजपूत समाज थे और ये आपने राजपूतों के खिलाफ मूवी बनाई है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने भी तभी यही बोला था कि भाई राजपूतों के खिलाफ हमने कुछ नहीं बोला है, आप देखिए मूवी, आप उसके बाद देखने के बाद डिसीजन लीजिए कि क्या गलत है और क्या सही है। हमने केवल एक व्यक्ति की कहानी बताई, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी को हमने टारगेट नहीं किया है। ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे आप जानते हैं कि फिल्म एक कॉमर्शियल बिजनेस है, जैसे और कोई बिजनेस होता है, भले ही उसका जो माध्यम होता है, उसका जो उद्देश्य होता है मनोरंजन देना होता है या कोई संदेश देना होता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जब आप खुद एक फिल्म निर्माता भी है, निर्देशक भी है, कितना जरूरी होता है इस तरह का विवाद, क्योंकि विवाद से ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है, ज्यादा बिजनेस आता है, तो निर्माता निर्देशक के तौर पर क्या कहना चाहेंगे कि ये विवाद पॉजिटिव चीज है अगर कॉमर्शियल हिसाब से देखे तो? नहीं, मैं अब जैसे विवाद वाली बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं निर्माता और निर्देशक की कोई भी सब्जेक्ट उठाते तो उस टाइम पे उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम इससे विवाद क्रिएट होगा और हमें इससे फ़ायदा मिलने वाला है। नहीं, अब जैसे कि संजय लीला बंसाली जी अब और पद्मावती हूँ, देखें कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट है,
वो ऑटो ऑलरेडी इतने इस लेवल पे हैं कि उनको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, उनको वैसे ही फेम बहुत कुछ मतलब प्रमोशन ऑटोमेटिक वैसे ही मिलता है। तो उन लोगों को जब भी पदोन्नति बनाई होगी तो ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाई हम ऐसा सब्जेक्ट बनाएंगे हमें वो एक विरोध क्रिएट होगा जिससे हमें प्रमोशन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति निर्माता निधि इतनी मेहनत करते हैं तो किसी सब्जेक्ट को लेके वो उसी रियलिटी को टच करते हैं या जो भी है वो अपना एक क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को बनाते हैं, ऐसा कोई दिमाग में कुछ नहीं होता है। हमने भी चोर बनाई थी तो बिल्कुल कहीं नहीं बनाई उस सोच के साथ नहीं बनाई थी कि भाई इसके ज़्यादा विरोध क्रिएट होगा, हमें तो बाद में पता चला था कि लोग इसका विरोध सोशल मीडिया पर करना शुरू किया, और कोई विरोध कुछ नहीं था, एक जस्ट ऐसे ही लोगों को वो करना था कि किसी को कुछ ही बोल देना है बोल दिया। कई बार तो कोई कुछ भी ऐसा बोल रहा है जैसे कई मूवी से कुछ रिलेटेड ही नहीं है, एक एक व्यक्ति तो इतना सोशल मीडिया पर से ही गाली गलौज करने किया, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, और उस व्यक्ति को चोरमल के बारे में नहीं पता कि चोरमल क्या थे। तो ऐसे कई लोग हैं, अब जैसे कि पद्मावती के बारे में कई लोग ऐसे बोल रहे हैं जिन्होंने ना तो मूवी देखी ना पद्मावती का हिस्ट्री, अगर उनसे पूछे तो हिस्ट्री के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे लोग बोले जा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे से ज़्यादा उन लोगों को आजकल एक हमारी भारत में एक ट्रेंड चल गया है, कुछ भी फालतू बोलो और अपने आप को फेमस करो, अपने आप को नेता बना लो, ये एक अलग से ट्रेंड चल गया है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स जो है सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जैसे आपने कहा कि आप भी एक फिल्म मेकर हैं और संजय लीला भंसाली बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, तो आपको लगता है कि उनको टारगेट करने से उनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल सकती है जो ये सब कर रहे करने से ना, या फिर जो भी समुदाय है? बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि टारगेट आप उसको करो जिसको पहले से ही सारी दुनिया जानती है, अगर उसको आप टारगेट करोगे तो उसके माध्यम से आपको उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली दुनिया जानने लगी भाई कि अब इतने बड़े आदमी को किसने क्या बोला, तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेता व्यक्ति, तो उसके माध्यम से वो तो पहले से ही बड़ा आदमी है और जो बोल रहा है वो उसके माध्यम से वैसे ही बड़ा आदमी मिल गया। तो सॉफ्ट टारगेट इंडस्ट्री अपने आप में एक फेम वाला वो है, फील्ड है, यहाँ एक सबकी नज़र रहती है मीडिया एंड ऑल सबकी, तो इसी को टारगेट करेंगे तभी तो एक फेम मिलेगा।